बिहार में खाद के कारखाने का काम हो, थर्मल पावर प्लांट हो, गंगा नदी पर बन रहे अनेकों बड़े पुल हो, पटना में मेट्रो में चल रहा कार्य हो, नेचुरल गैस का नेटवर्क हो, गांव गांव तक उज्ज्वला की गैस पहुंचाने का नेटवर्क हो, ये सब रोजगार की गारंटी होते हैं, रोजगार की गारंटी। लेकिन जो अपने बाप दादा की कमाई खा करके जीते हैं, उनको रोजगार क्या होता है इसकी समझ तक नहीं है जी। अभी मोदी ने तय किया है कि बिहार के 90 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। क्या ये बिना रोजगार पैदा किया होगा क्या? पिछले 10 साल में मोदी ने देश के 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। अकेले बिहार में ही 40 लाख पक्के घर बनवाए गए। इन घरों के लिए जो सीमेंट सरिया आया है, ईंट बालू आया है, वो भी मोहल्ले की दुकान से ही तो गया है। इन सबका लाभ बिहार के नौजवानों को ही तो हुआ है, उन्हें रोजगार के व्यापार कारोबार के नए अवसर मिले हैं। साथियों, मोदी के वारिस कौन है? है आपके पास कोई नाम कि भाई मोदी इसको देकर के जाएगा? कोई नाम नहीं है। क्यों? मोदी के वारिस आप हैं। मोदी के वारिस आप हैं। मोदी के वारिस आपका परिवार है। मोदी के वारिस आपके बच्चे हैं। और मुझे वारिस में आपको सब कुछ दे करके जाना है। मुझे आपको सुख चैन की जिंदगी दे करके जाना है। मुझे आपको आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी दे करके जाना है। मुझे आपको विकसित भारत आपके हाथ में सौंप करके जाना है। और इसलिए मैं हर कोशिश कर रहा हूं कि युवाओं के हर सपने पूरे हो, वो हर काम कर सके, अपने सारे सपनों को सिद्ध कर सके। आपको जानकर खुशी होगी, सिर्फ मुद्रा योजना में बिहार में 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद युवाओं को दी गई है। 2.5 लाख करोड़, और वो भी मोदी की गारंटी पर। इन युवाओं से गारंटी नहीं मांगी, उनसे उनकी संपत्ति का हिसाब नहीं मांगा। मोदी को बिहार के नौजवानों पर भरोसा है, उनको मैं रुपये दूंगा, वो डबल कर देंगे और बैंक का लोन भी वापस कर देंगे, ये मेरा भरोसा है। ये 3 लाख करोड़ रुपये यहां दलित अति पिछड़े युवाओं को मिले, महिलाओं को मिले, इससे यहां लाखों काम शुरू हुए। यहां वैशाली सहित पूरे बिहार में टूरिज्म आधारित रोजगार की अद्भुत संभावना है। यहां बुद्ध सर्किट योजना के तहत काम चल रहा है, इससे भी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, विकसित बिहार विकसित भारत के लिए आपको 20 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे? रामविलास को जितने वोट मिले हैं, मुझे चिराग के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए। रामविलास जी के आत्मा को चिराग के जीतने से शांति नहीं होगी। रामविलास को मिले वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे, तब जाकर के रामविलास जी को शांति होगी। और इसलिए इस बार जब आप वोट देंगे ना, तो एक वोट की ताकत है आपके चिराग का जीतना, और उसी वोट की आत्मा है रामविलास को श्रद्धांजलि।
भाइयों बहनों, मैं चिराग के लिए इसलिए नहीं आया कि उसको मुझे जिताना है, वो तो जीतने वाला ही है। मैं यहां आया हूं रामविलास जी का कर्ज चुकाने के लिए। मेरे अनन्य साथी रहे रामविलास जी, और इसलिए मैं सामने से यहां आया हूं। मुझे मालूम है यहां का परिणाम आप लोगों ने तय कर लिया है। चिराग के प्रति मेरा प्यार इसलिए है, मैं पब्लिकली आमतौर पर बोलता नहीं लेकिन आज बोल देता हूं, चिराग जब पहली बार पार्लियामेंट में आए तो मैं तो इतना ही जानता था रामविलास जी के बेटे हैं, लेकिन मैं देखता था उनके व्यवहार में रामविलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए उनकी माता जी को सारे क्रेडिट देता हूं। आपने इसको ऐसा संस्कार दिया, गुरूर का नामो निशान नहीं। दूसरी बात, मैंने एक बार हमारी कैबिनेट में कही थी, शायद चिराग को भी पता नहीं होगा, रामविलास जी कैबिनेट में थे। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है।